Hey guys, good morning. Myself Rahul from Lucknow. Welcome to my YouTube channel. दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होना चाहिए. मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है जो कि बहुत एक्साइटेड है. हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? अब्दुल हाफिज. कहाँ से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने? हम आते हैं सर संत कबीर नगर से. कितने दिन हो गए आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 23 दिन. और कहाँ जाना है आपको ड्राइविंग सीख के? अपना लेफ्ट आ जाओ, देखो टेम्पो वाला ऑन दे रहा है. कहाँ जाना है आपको? सऊदी जाना है. ओके, तो आज चलना है यहाँ से लेफ्ट. तो आज आपको कुछ चीजें मैं सिखाने वाला हूँ बहुत बारीकी, ठीक है? तो यहाँ चलना है लेफ्ट, और लेफ्ट में क्या सिखाना है, जैसे कि स्लोपिंग वाली चीजें जो है, बैक पार्किंग, यहाँ से लेफ्ट लेना. अपना लेफ्ट ही दबा के रखो. जितना आप लेफ्ट रखोगे उतना सुरक्षित रहोगे. अब सीढ़ी करो फटाफट. देखा बाइक वाला अचानक आ गया था. अब राइट वाला पैर आपका कहाँ होना चाहिए था? और कहाँ था? ब्रेक पे लाए थे, क्योंकि टर्निंग के टाइम आपका राइट वाला पैर ब्रेक पे होना कंपलसरी. अगर आप ब्रेक पे रखते हो तो अचानक सामने कोई आता है तो आप क्लच दबा के ब्रेक लगा लोगे. अगर आपने एक्सेलेटर पे रखा और आपके माइंड में है कि मैं ब्रेक लगाऊंगा तो ब्रेक पॉसिबल नहीं है. तो टर्निंग से 10 मीटर पहले आपका पैर ब्रेक पे आना कंपलसरी है किसी भी कंडीशन में. ये नहीं होना चाहिए कि मेरा पैर एक्सेलेटर पे है, मैंने एक्सेलेटर दबाया नहीं. बहुत सारे नए लोगों के साथ एक इशू रहता है कि मैंने रखा था पर दबाया नहीं. तो पानी पे पैर रख के कभी हम खड़े नहीं हो सकते हैं. तो एज ए एक्सेलेटर पानी, ठीक है, पानी पे कभी भी आप पैर रख के नहीं खड़े हो सकते. तो इसलिए एक सबसे आसान तरीका कि आप एक्सेलेटर से पैर ला के ब्रेक पे रखें. ब्रेक लगाना ना लगाना अलग मैटर है, बट आपका पैर आना जरूरी है. समझ गए? चलो अभी धीरे से एक्सेलेटर लो. हाँ, और यहाँ पे रोड देखो थोड़ा ऊंचा नीचा है ना, तो यहाँ पे कभी भी कहीं से भी नीचे कार को नीचे उतारना नहीं है, नहीं तो टायर खराब हो जाएगा. हाँ, समझ रहे हैं? अपना लेफ्ट ही रखो, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन कर लो, जाओ. हाँ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो. हाँ, धीरे से जाने दो हॉर्न. हाँ, क्योंकि लंबा हॉर्न बजाओ, क्योंकि ट्रक रोड पे खड़ा हुआ था ना. अब ट्रक साइड हो गया, अब आराम से निकाल लो. हाँ, नीचे मत उतारो बच्चा, नीचे उतारोगे तो टायर खराब हो जाएगा. अच्छा चलो, अब नीचे रहन दो, अभी नीचे रहन दो, मत चढ़ाओ ऊपर. सामने अब कार आ रही है, इसको बीच में रखो. अब जहाँ रास्ता सही होगा अब यहाँ से चढ़ा लो. टायर कट जाएगा अगर ज्यादा रोड टूटा हुआ है तो. वो सो जो गिट्टियां निकली होती है ना रोडे, उनसे टायर फट जाता है. कई टायर मेरी कार के खराब हो चुके हैं. चलो अभी स्पीड बढ़ाओ. हाँ, और अपने राइट वाले मिरर को रिकॉल करते रहा करो, क्योंकि भाई ये सिंगल रोड है. सिंगल रोड पे पीछे से भी खतरा और सामने से भी खतरा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना. चलो राइट दबा के निकालो, बढ़ाओ स्पीड. हाँ, चलो 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 चलो, निकालो साइकिल वाले से आगे निकालो. हाँ, अब अपने लेफ्ट वाले मिरर को चेक किया करो. जब किसी को ओवरटेक किया करो तो ओवरटेक करने के बाद जब आधी गाड़ी 50% कार आपकी आगे निकल जाए तो इस मिरर को रिकॉल किया करो. तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति की बाइक या साइकिल या कार में और आप में कितना गैप है. ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ये चीज बहुत जरूरी है समझना. ये जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इनको समझना बहुत जरूरी है. चलते रहो धीरे धीरे, हल्का सा राइट रखना. यहाँ पे एक्सेलेटर पे पैर नहीं होना चाहिए ब्रेक पे. हेलो, हाँ जी, 10, हाँ 10 मिनट में बोल रहा हूँ. अब नीचे रोड से नीचे कार आपकी नहीं उतरनी चाहिए, ठीक है? अभी चलो स्पीड मेंटेन करो. हाँ, जाने दो. गुड. अभी चलना एकदम स्ट्रेट, ठीक है? दो तीन प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा. थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो. हाँ, सीधा चलना है. अब यहाँ पे तिराहा है तो तिराहे पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है. राइट साइड से भी व्हीकल आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी व्हीकल आ सकते हैं. और अभी सिंगल रोड है तो इस मिरर को ज्यादा देखना है मेरे भाई, ठीक है? इस मिरर को
ज्यादा देखना है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपके लेफ्ट से कोई निकल तो नहीं रहा है, ठीक है। चलो अभी स्पीड बढ़ाओ, देखो राइट साइड में काऊ है और सामने मंकी भी है, ध्यान रखना। चलते रहो धीरे धीरे। हाँ अब राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, ठीक है। हल्का लेफ्ट आओ, हाँ जाने दो धीरे धीरे, बढ़ाओ स्पीड, हाँ फॉरन हल्का राइट रखो, हाँ इसको आने दो बस, चलो हल्का राइट रखो, हाँ अब लेफ्ट आओ अपना पूरा लेफ्ट, चलो स्पीड मेंटेन करो, हाँ जाओ धीरे धीरे, हाँ अपना लेफ्ट आ जाओ और लेफ्ट, चलो स्पीड मेंटेन करो, गुड। अब यहां से आपको करना है अभी टर्न में बताऊंगा, अब हल्का सा ब्रेक पे पैर लेके आओ, अब लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ चलने दो, जहां से स्कूटी टर्न हो रही है इनसे लेफ्ट टर्न करो, हाँ अब लेफ्ट घुमा दो पूरी, फुल घुमा दो, फुल फुल घुमा दो, हाँ घूमी रहने दो, इसके बीच में से निकालना, घूमी रहने दो फुल घूमी रहने दो, हाँ गुड गुड। अब सीधी करो, हाँ सीधी करो, राइट घुमाओ राइट, चलो भैया जी अब इसको पहले गियर में कर लो, पूरा क्लच ब्रेक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख रहे हो पहले आपको गियर बदल लेना चाहिए था गाड़ी रुकने, अब नीचे क्या देख रहे हो, जाओ हल्का रेस लो, एक्सीलेटर लो, रेस लो, अब सीधी करो स्टीयरिंग फटाफट, सीधी करो सीधी, रोड पे आना है रोड पे, हाँ और थोड़ा लेफ्ट आओ, यहाँ रोकना है अभी साइड में, बाएं आओ अपने लेफ्ट साइड, हाँ बस अब रोको यहाँ पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, रुक गई। अब यहाँ पे हल्की सी चढ़ाई है, स्टीयरिंग सीधा पकड़ो, हल्की सी चढ़ाई है, तो अगर आप अभी ब्रेक पहले छोड़ोगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी, पीछे चली जाएगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हमेशा पहले ब्रेक छोड़ते हैं फिर धीरे से क्लच छोड़ते हैं, कार गियर में एक्टिव हो जाती है, लेकिन वो प्लेन रोड पे होता है, स्लोपिंग वाले नहीं। तो अभी आप ब्रेक छोड़ो पूरा, अब गाड़ी कहाँ जा रही है, छोड़ दो ब्रेक, धीरे धीरे पीछे जा रही है, देखो धीरे धीरे खिसक रही है, जा रही ना। अब अगर आप किसी चौराहे पे या किसी रेड लाइट पे या किस तरीके हो तो पीछे वाली गाड़ी में टकरा जाएगी, तो हमें क्या करना है, कभी भी ऐसी सिचुएशन में अगर हम फंस गए हैं खड़े हैं तो हमें पहले ब्रेक नहीं छोड़ना, पहले अब धीरे 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 क्लच छोड़ो, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, इंजन जब वाइब्रेट करने लगे अब ब्रेक से पैर हटाओ, देखो गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़नी स्टार्ट हो गई, हल्का राइट दबाओ गाड़ी, हाँ अब लेफ्ट आओ, अब फिर पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लो फटाफट, ठीक है। अब फिर वही सेम चीज, अब देखो हल्की सी चढ़ाई ज्यादा है, अब ब्रेक मत छोड़ना, पहले धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जब इंजन वाइब्रेट करने लगे फिर आपको क्लच को ब्रेक को रिलीज करना है, अब ब्रेक छोड़ो, उड़ गई, फिर पूरा क्लच दबा के ब्रेक लो, फिर वही सेम चीज, ब्रेक नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जैसे इंजन वाइब्रेट करने लगे अब ब्रेक छोड़ दो, देखो गाड़ी बढ़ गई, एक इंच भी पीछे गई नहीं गई, फिर वापस धीरे धीरे क्लच छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, अगर अब चलने दो गाड़ी, चलने दो, अगर ज्यादा देर तक आपने ब्रेक दबा रखा और क्लच ज्यादा छोड़ दिया तो यहाँ पे इंजन बुझ जाएगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान देना, ठीक है। अपना लेफ्ट आ जाओ, हल्का राइट रखो, हाँ चलो, हाँ उसको निकल जाने दो, लेफ्ट ही रखो, ज्यादा राइट मत जाओ क्योंकि हमारी साइड लेफ्ट है, अगर हम राइट जाएंगे तो आने जाने वाले लोग परेशान हो जाएंगे। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ा के क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, जल्दी से चेंज करो गियर, गुड। अब क्लच को छोड़ दो, अब सामने देखना बाइक स्कूटी आ रही है, इधर मंकी है, ध्यान रखना, हल्का राइट रखो, हाँ राइट, चलो जाओ धीरे धीरे, लेफ्ट आओ अपना और लेफ्ट आओ, सीधी करो, लेफ्ट आओ लेफ्ट, हाँ बढ़ाओ स्पीड, लेफ्ट आओ, चलो लेफ्ट आओ लेफ्ट, चलो 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 चलो, जाने दो और लेफ्ट आओ, बढ़ाओ स्पीड फुर्ती से,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्पीड मेंटेन करो। हाँ दोस्तों, आपने देखा जैसे कि इन्होंने आज स्लोपिंग की भी प्रैक्टिस करी और थोड़ा सा सिंगल रोड पे मैं लेके आया हूँ, जो कि बहुत बारीकियां समझने को मिलती हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो स्पीड बढ़ाओ।